या देखो चैप्टर नंबर 12 जो है ना, टॉपिक वाइज ना डिफाइन हुआ है, तो 12.1 के हम टॉपिक कर रहे हैं ना, तो तकरीबन तीन टॉपिक रह गए हैं 12.1 के, टोटल चार थे। पहला वाला टॉपिक आपने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, अब जरा दूसरे टॉपिक पे आ जाओ। ये काफी इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं लगेगा आप लोगों को। एग्जाम्पल मैं बुक वाली दे दूंगा। चलो आप लोगों ने बच्चों चैप्टर नंबर 8 मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, इसलिए ताकि आप लोगों को थोड़ी फंक्शंस के बारे में ना नो हाउ हो जाए, ताकि आप लोग बाद में जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ो ना तो आपको थोड़ा समझ आ जाए कि फंक्शन का वर्ड होता क्या है। इसी तरीके से कुछ टाइप्स हमने देखी थी, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 8 में डिफरेंट फंक्शंस थे, उनके हमने देखा था टाइप्स थी। उन्हीं में से दो टाइप्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है, और वो क्या है, उनको आप बोलते हो इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि ऑड फंक्शन क्या होते हैं। ये टॉपिक नॉर्मली पहले सेकेंड ईयर में हुआ करते थे, फर्स्ट ईयर के बच्चों को कुछ आइडिया नहीं होता था फंक्शन क्या है, टाइप्स तो छोड़ ही दो आप। तो काफी अच्छा सिलेबस इन्होंने किया इस दफा के, फर्स्ट ईयर में आपको चीजें बताई जा रही हैं। इवन फंक्शन बच्चों क्या होता है, सिंपल एक कंडीशन है, अगर कोई भी फंक्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उस फंक्शन को इवन बोलोगे, अगर वो ऑड फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ऑड बोलोगे। और जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन आपका या तो इवन होगा या ऑड होगा, कितने ऐसे फंक्शन है जो ना इवन है ना वो ऑड है, उनको आप नाइदर बोलते हो। नाइदर मतलब ना वो इवन है ना वो ऑड है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। लेकिन कौन से फंक्शन को आप इवन बोलोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, कंडीशन मैं लिख लेता हूं शायद आप लोगों को समझ ना आए। ये कंडीशन है इवन फंक्शन की, और हम लिखते हैं ऑड फंक्शन की कंडीशन, ये कंडीशन है ऑड फंक्शन की। जो बुक में एग्जाम्पल दी गई ना, मैं एग्जाम्पल लेकर करवाता हूँ तब आपको समझ आएगी कंडीशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये पेज नंबर 339 पे ही है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर नहीं लिखा हुआ, बस पार्ट वन लिखा हुआ है। आपको एक फंक्शन दे दी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स फोर, मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 5, और आपको बताना है। और इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, वो भी साथ डिस्कस करते हैं, वो है फंक्शन का नाम दिया है उन्होंने एच, और फंक्शन आपके पास मौजूद है एक्स की पावर 5। आपको मालूम करना है कि ये इवन है या ऑड है। कैसे मालूम करते हैं भाई, सिंपल तरीका ये होता है कि आपने फंक्शन में जहां पे एक्स आ रहा है ना, एक्स की जगह पे आपने माइनस एक्स पुट कर देना है। क्या बात मैंने बोली है, जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है ना वहां पे आपने क्या पुट करना है, माइनस एक्स पुट कर देना है। तो अगर ये फंक्शन आपके पास मौजूद है, मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा था, यहाँ पे एक्स आ रहा था, मैं यहाँ पे माइनस एक्स पुट कर देता हूँ। अच्छा, राइट हैंड साइड पे आप देखो, यहाँ पे एक्स की पावर 4 था, मैं अब एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस एक्स, तो अब हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4। तो जहां जहां एक्स मौजूद था वहां वहां पे मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया। सेम दूसरी वाली एग्जाम्पल में भी आप यही काम करो, जहां एक्स है वहां पे आप माइनस एक्स पुट कर दो, यहां पे था एक्स की पावर 5, अब हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 5, एक्स था आपने उसको रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपको पता है बच्चों कि जब आप माइनस की पावर इवन करते हो ना तो माइनस हट जाता है, तो माइनस की पावर 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हट जाएगा। तो ये माइनस एक्स की पावर 4 बराबर होगा एक्स की पावर 4 के, माइनस को आप इग्नोर कर दोगे। हाँ अगर ऑड पावर होती तो फिर माइनस आता। और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, माइनस एक्स की पावर, अब देख लो माइनस की पावर यहाँ पे ऑड है तो माइनस आएगा, एक्स की पावर 5 मतलब एक्स की पावर 5, ये सिंप्लीफिकेशन हुई है। अब आप जरा ऑब्जर्व करो, क्या आपके पास सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है, फिर दूसरा स्टेप होता है आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो उसको, तीसरा स्टेप ये होता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देखो कि आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है क्या, चेक करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन ये था और मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, तो अगर आपके पास एज इट इज ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, जगह आपने माइनस एक्स पुट किया सिंप्लीफाई किया, लेकिन आपके पास एग्जैक्ट ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, तो आप कहोगे ये फंक्शन है इवन, कि यार मैंने एक्स की जगह पे अगर आप देखो माइनस एक्स पुट किया है लेकिन मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया जो कि क्या था, एफ ऑफ एक्स था, तो ये कंडीशन जैसी सेटिस्फाई हो जाए आप बोलोगे ये इवन फंक्शन है। और आप इस वाली कंडीशन में देखो, क्या आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन था एक्स की पावर 5, आपके पास एक्स की पावर 5 आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, जिसको आप किस तरह लिख सकते हो, आप लिख सकते हो माइनस, और एक्स की पावर 5 किसके बराबर था, एच ऑफ एक्स के। तो अब आप इस कंडीशन को देखो, आपके पास ओरिजिनल फंक्शन तो आ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो जब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आए तो उस फंक्शन को आप बोलोगे ऑड।
यही कंडीशन ऊपर लिखी हुई थी कि जब आपने x की जगह माइनस एक्स पुट किया, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ माइनस एक्स के। लेकिन ऑड फंक्शन में क्या होगा, जब आप x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे ना, तो ओरिजिनल फंक्शन तो आ जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, दैट्स व्हाई आप इसको बोलोगे कि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है इवन एंड ऑड फंक्शन की। मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल करवाता हूँ, शायद बुक में नहीं लिखी हुई होगी, मजीद आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, एक फंक्शन है जिसको हम नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स, और हम कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, इस तरह कर लेते हैं। अगेन आपको बोलना है, आपको सवाल है, बोला गया कि चेक करो कि इवन है या ऑड है। क्या करना है आपने, जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पे बच्चों आपने माइनस एक्स पुट करना है। तो ये एक्स का स्क्वायर ना, अब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, इस चीज में और इस चीज में फर्क है, ये एक बात नहीं है। जब मैं नॉर्मली बच्चों को बोलता हूँ ना कि एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है और फिर स्क्वायर करना है, वो इस सिचुएशन को समझते हैं, वो एक्स का स्क्वायर करते हैं उसके साथ माइनस लगाते हैं। नहीं, जब मैं आपको बोलूँ ना एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, तो पूरे माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, मतलब इस एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स पुट करोगे ना, तो पूरे माइनस एक्स का आपने स्क्वायर करना है। ये काम नहीं करना आपने, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पूरे माइनस एक्स के ऊपर पावर लगाओगे जो भी सवाल में पावर के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एक्स आ रहा है इसकी जगह पे भी आप माइनस एक्स पुट कर दो, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन करो। दूसरा स्टेप, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपको पता है जब ये मॉड के अंदर माइनस आता है तो इसकी कोई औकात नहीं है, माइनस को आप इग्नोर कर देते हो। तो आप ऑब्जर्व करो एज इट इज आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो जब आपके पास एज इट इज ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो आप बोलोगे वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। मैं ऑड की एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब। अब जरा चेक करते हैं, क्या करो एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, यहाँ पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, इसी तरह यहाँ था एक्स का क्यूब अब हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। दूसरा स्टेप क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, इसको क्या ही सिंप्लीफाई कर लोगे आप, माइनस एक्स का क्यूब माइनस का क्यूब माइनस और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब। देखो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा, ओरिजिनल फंक्शन ये था, आपके पास ये आ रहा है। तो जब ओरिजिनल फंक्शन ना आ रहा हो ना, तो आप कुछ कॉमन लेके देखो कि क्या अब ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, जब आप माइनस कॉमन लोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब। अब आप देखो, अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, दैट्स व्हाई अब आप इस फंक्शन को क्या बोलोगे कि ये ऑड फंक्शन है। तो ओरिजिनल फंक्शन आना जरूरी है। मैं आपको एक ऐसी भी एग्जांपल दूंगा जो ना इवन है ना वो ऑड है, ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था इवन ऑड फंक्शन की दो दो एग्जांपल मैंने दी हैं। मुझे बताओ यहां तक बात क्लियर है सबको, कोई सवाल ध्यान में आ रहा हो? यस सर। अब मैं एक एग्जांपल आपको ऐसी देता हूँ जो ना इवन है ना वो ऑड है। इसी एग्जांपल में अगर आप प्लस की जगह माइनस कर दो ना, अब वो ना ऑड रहेगा ना वो इवन होगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ एक्स माइनस एक्स क्यूब, अब जरा देखना क्या होगा। अगेन वही, एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स पुट करोगे, यहाँ पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स, यहाँ पहले था एक्स का क्यूब अब हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पे बस आपने माइनस एक्स पुट करना होता। सॉल्व करो, ये तो माइनस एक्स ही रहेगा, माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव, जब इस माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा ना, वो इस वाले से मल्टीप्लाई के पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब। आप देखो ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन ये था। तो आप एक काम करो, यहां से नहीं इसमें आ जाएगा ओरिजिनल फंक्शन, आई गेस इसमें ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, ये ऑड फंक्शन की एग्जाम्पल बनेगी। नहीं नहीं कोई और ऐसी करते हैं जो ऑड फंक्शन की ना हो, फॉर एग्जाम्पल हाँ इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। अब ये ना इवन होगा ना वो ऑड होगा। पहली वाली एग्जांपल में वो ऑड बन रहा था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको ऐसी एग्जांपल दूं जो ना इवन हो ना ऑड हो। अब जरा देखो, मैंने इस एग्जांपल में थोड़ी चेंजिंग की, इसको एक्स स्क्वायर कर दिया। अब देखो एक्स की जगह आपने माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर मैंने आपको बताया इग्नोर कर दो, ठीक है? तो माइनस का स्क्वायर करोगे खत्म हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा, सही है? अब आप देखो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा, तो जब ओरिजिनल नहीं आ रहा होता ना, तो आपकी कोशिश होती है मैं कुछ कॉमन लेके देखता हूँ शायद ओरिजिनल आ जाए। तो आप एक काम करो, इससे माइनस कॉमन लो, ऑब्जर्व करो, अभी भी ओरिजिनल नहीं आ रहा। तो कॉमन लेने से पहले, कॉमन लेने के बाद आपके पास ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो जब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन ही नहीं आ रहा, तो ना वो इवन होगा ना वो ऑड होगा, उसको आप बोलोगे यार वो नाइदर है,
है ना वो ऑड है। और इन फंक्शंस को बनाना बड़ा आसान तरीका होता है कि आप एक लो ऑड फंक्शन, एक लो इवन फंक्शन। अगर आप सिंपल एक्स की बात करो ना, तो ये एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, और अगर आप एक्स स्क्वायर की बात करो, एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन होता है। जब आप ऑड और इवन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो ना, नाइदर आपके पास आता है। ठीक है, बारह। तो ये इवन ऑड का टॉपिक कंप्लीट, नाइदर की भी एक एग्जाम्पल दे दी। यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी एक और पॉइंट लिखवाने के लिए, जो बुक में लिखा हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं समझा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। सेकेंड ईयर में शायद आपको ये एक्सप्लेन करूं मैं, अगर आपने मुझसे पढ़ा तो। अभी अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो वो मुझे 15-20 मिनट चाहिए, वो बहुत ही टॉपिक से हट जाएगा। लेकिन बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट इवन फंक्शन से क्या होता है, ये फंक्शन जो है ना, ये सिमेट्रिक होता है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर किसी को शौक हो इसका मतलब जानने में, तो आप लोग गूगल भी कर सकते हो, मेरी वीडियोस भी अपलोड है। और ये सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। क्या मतलब होता है, ट्राई करना, इंशाल्लाह मतलब मिल जाएगा आप लोगों को। अगर नहीं करना चाह रहे, कोई इशू नहीं है, आपके बुक का टॉपिक नहीं है ना, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे इसको देख लो। अच्छा, तो एग्जाम्पल भी हो गई, डिफाइन भी कर दी कंडीशन। अब जरा आ जाओ, बुक में उन्होंने यही एग्जाम्पल दी नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन इवन है कौन ऑड है, जरा उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों साइन फंक्शन की। साइन फंक्शन को वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हो और एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लिखो या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखो, एक ही तरीका है, एक ही बात। वही काम करो अब यहाँ पे। हाँ बोलो, कोई फंक्शन दोनों हो सकते हैं, आर्ट बी और इवन। क्वेश्चन है, इसके बाद बताता हूँ। आप क्या करो, चेक करो जरा, इसमें एक्स की जगह पे ना माइनस एक्स पुट कर दो। यहाँ पे एक्स आ रहा था, मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया। यहाँ पे एक्स आ रहा था, यहाँ पे मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया। चैप्टर नंबर 10 में आपने बात पढ़ी थी, जब मैंने आप लोगों को फंडामेंटल लॉ पढ़ाया था, मैंने बोला था कि अगर साइन के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को बाहर कर दो। तो ये साइन फंक्शन के अंदर जब नेगेटिव आते हैं ना, तो नेगेटिव को बाहर कर दो। तो साइन माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस साइन एक्स के। अब देखो, ओरिजिनल फंक्शन तो आ गया विद नेगेटिव साइन, तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये ऑड की होती है। इसका मतलब साइन फंक्शन जो है वो एक ऑड फंक्शन है। यही चीज आपको टेंजेंट में भी नजर आएगी। टेंजेंट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब टेंजेंट के अंदर नेगेटिव आता है ना, तो आप नेगेटिव को बाहर कर देते हो। तो सेम टेंजेंट जो है वो भी यहाँ पे ऑड फंक्शन है। अगर साइन और टेंजेंट ऑड फंक्शन है, तो इनके रेसिप्रोकल भी ऑड होंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये भी ऑड होंगे। तो चार ऑड फंक्शन होते हैं, मैं उनके नाम लिखवा देता हूँ आप लोगों को। साइन, टेंजेंट, इनके रेसिप्रोकल कोसेक और कॉट, ये चार जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। बाकी दो के बारे में क्या ख्याल है, डिस्कस करते हैं। कॉस की बात करते हैं, एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अगेन आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो। कॉस के अंदर मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि जब कॉस के अंदर नेगेटिव आए ना, उस नेगेटिव को आप इग्नोर कर दो। कॉस माइनस एक्स बराबर होगा कॉस एक्स के। और ये मैं अपनी तरफ से यार रटा नहीं आप लोगों को कह रहा मानने का, इसका प्रूफ बुक में लिखा हुआ है। फंडामेंटल लॉ के बाद अगर आप चैप्टर 10 में जाओगे, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्यों कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो ये प्रूफ वहां पर लिखा हुआ है, शौक हो तो आप लोग देख सकते हो। फंडामेंटल लॉ से हर चीज आपने प्रूफ की हुई है। तो कॉस के केस में आप माइनस को इग्नोर कर देते हो। आप देखो, माइनस एक्स पुट करने के बाद भी आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, तो ये किसकी कंडीशन है, ये इवन फंक्शन की कंडीशन है। तो कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन होता है। अगर कॉस इवन है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है ना, वो भी इवन होता है। तो कॉस और सेक क्या है, इवन फंक्शन है। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें से चार ऑड है और दो इवन है। एमसीक्यूज में बात पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। अभी एक स्टूडेंट का सवाल था कि ऐसा दुनिया में कोई फंक्शन है जो कि इवन भी हो ऑड भी हो। एक ही ऐसा दुनिया में फंक्शन है जो इवन भी है और वो ऑड भी है, वो कौन सा फंक्शन है, वो ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये वाहिद फंक्शन है जो कि इवन भी है और ऑड भी है, दोनों फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे, सबसे पहले जरा हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं। आप इसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे, राइट हैंड साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक्स ही नहीं आ रहा, तो फर्क कैसे पड़ेगा। तो आप इसको क्या बोलोगे भाई, एक्स पुट करने से पहले और एक्स पुट करने के बाद फंक्शन सेम ही है ना, ये तो इवन फंक्शन की कंडीशन होती है कि एक्स पुट करो, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो और फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े। तो वही तो हो रहा है, आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको आप क्या बोलोगे, इवन फंक्शन। तो एक बात तो तय है कि इवन फंक्शन है। ये ऑड की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है।
ये जो एक्स पुट करने, ये माइनस एक्स पुट करने के बाद आपके पास जीरो आंसर आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जीरो के साथ आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस जीरो। ये लिखने से अब क्या होगा, ये ऑड कंडीशन, ऑड फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन जीरो था ना, आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है विद नेगेटिव साइन, उसका मतलब ये ऑड की कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये काम सिर्फ आप जीरो के साथ कर सकते हो, अगर यहाँ पे जीरो की जगह टू आ जाता तो मैं टू के साथ तो ये काम नहीं कर सकता था ना, कि टू के साथ माइनस लिख देता, वो तो चीज ही चेंज हो जाती, टू और माइनस टू अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जीरो और माइनस जीरो सेम ही चीज है। तो आप अगर इसको समझना चाहो तो आप इवन ऑड दोनों की कंडीशन इससे सेटिस्फाई करवा सकते हो। दैट्स व्हाई मैंने कहा था ये दुनिया का वाहिद फंक्शन है जो कि इवन भी है और ऑड भी है। टॉपिक हमारा कंप्लीट, कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छा जी, अब दूसरा टॉपिक है, सॉरी तीसरा टॉपिक है 12.1 का, उसको आप कहते हो पीरियोडिसिटी, या भी बोल सकते हो पीरियोडिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन को आप पीरियोडिक फंक्शन कब बोलोगे, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है कि आप उस फंक्शन में अगर कुछ पी ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेयर एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स और एक्स यहाँ पे कोई भी रियल हो सकता है, पी जो है वो आप पॉजिटिव ही रहते हो, रियल नंबर कोई हो तो अच्छी बात होती है, ठीक है। अब क्या मतलब इसका क्या बन रहा है, वो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों को बताऊंगा उसे आपको समझ आ जाएगा। मेन कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल साइन की बात करते हैं, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है ना जो आपने अभी पढ़ने हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 6 के 6 पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं, अब जरा मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कंडीशन समझा रहा हूँ आपको। आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, आप क्या करो, आप यहाँ पे मालूम करो एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एक्स लिखा होता है ना बच्चों, पहली चीज अपने जहन में रख लो, एक्स की अपनी कोई औकात नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे मे बी एक्स ना लिखा हुआ हो, यहाँ पे पी लिखा हुआ हो, यहाँ पे यू लिखा हुआ हो, एक्स की अपनी कोई औकात नहीं है। एक्स रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, इस फंक्शन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू साइन इनपुट। अब इनपुट की जगह हम एक्स लिख दिया करते हैं, लेकिन एक्स की खास अहमियत नहीं है, एक्स बस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भाई जो इनपुट आपने करना है ना वो एक्स आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, वरना असल चीज ये होती है कि यार आपने इनपुट जो भी करना है वो यहां पर इनपुट आ जाएगा। तो अगर मैं इनपुट करना चाह रहा हूं एक्स प्लस टू पाए तो यहां पर भी आ जाएगा प्लस टू पाए। अब जरा देखना कि मैंने फंक्शन के अंदर क्या किया, एक नंबर ऐड किया, देखना फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख लेते हैं। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप यहाँ पे लगाओगे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जरा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या था, साइन अल्फा बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस टू पाए ना कैलकुलेटर से निकाल लेना 1 के बराबर होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और साइन टू पाई कैलकुलेटर से निकालना 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, आंसर साइन एक्स आ जाएगा। आप ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड क्या, साइन एक्स, साइन एक्स इसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स के बराबर, कंडीशन प्रूफ जो मैंने ऊपर लिखी हुई थी, बस यहाँ पे पी क्या है 2 पाई के बराबर है। तो अब इसका मतलब क्या है यार, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना उनके अंदर जब आप कोई खास पीरियड ऐड करते हो, जो पी है ना इसको आप पीरियड कहते हो, कि जब वो एक पीरियड आप ऐड करते हो ना, कोई भी नंबर होता है पीरियड, जब वो ऐड करोगे तो फंक्शन रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर में साइन 30 डिग्री निकालो, या आप कैलकुलेटर में साइन 30 प्लस 360 निकालो, वैल्यू सेम ही आएगी, निकाल के देख लेना। आप जब भी 30 पे साइन की वैल्यू निकालो या 30 के अंदर आप 360 को ऐड कर दो तब वैल्यू निकालो, सेम ही आएगी, क्योंकि सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है, इनमें आप एक वैल्यू, एक खास वैल्यू होती है जिसको आप पीरियड कहते हो, जो कि साइन के केस पे 360 डिग्री होती है, वो आप ऐड करते जाओ वैल्यू दोबारा रिपीट करती जाएगी। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, आप 30 के अंदर 360 ऐड करो पूरा एंगल बनेगा, इसका आंसर भी 1/2 आएगा। आप इसके अंदर दोबारा 360 ऐड कर लो, बेशक कैलकुलेटर आपके पास है, इसको सॉल्व करो, अभी भी आंसर 1/2 आ रहा होगा। तो कहने का मतलब आप बार बार इस पीरियड को ऐड करते जाओ वो वैल्यू रिपीट करती जाएगी, जो उसकी वैल्यू पहले थी और पी ऐड करने के बाद जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये जो प्रॉपर्टी आपको नजर आती है ना किसी भी फंक्शन के अंदर कि वो रिपीट कर रहा है आफ्टर सम टाइम, अगर आप इसका ग्राफ देखो, ग्राफ से और ये बात अच्छी समझ आएगी। मैंने कल आप लोगों को साइन का ग्राफ बताया इसलिए था,
ये साइन का ग्राफ होता है, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड ही डिस्कस कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप साइन का ग्राफ देखो ना, रिपीट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ था, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे एक साइकिल इसकी खत्म हो गई है। आप देखो, आप दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है। अब आप देखो, दोबारा जैसे ये ऊपर उठ के नीचे गया था ना, दोबारा देखो यहां से ऊपर उठ रहा है, नीचे जाके यहाँ पे आ रहा है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा है, उठ रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आप ऑब्जर्व करो कि कुछ अरसे बाद ये पूरा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बाद आपका ग्राफ दोबारा रिपीट कर रहा है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा है। तो खास डिस्टेंस होता है जिसके बाद आपका ग्राफ जो है वो बार बार रिपीट कर रहा होता है। ये प्रॉपर्टी जिस फंक्शन के अंदर होती है उस फंक्शन को आप कहते हो पीरियोडिक फंक्शन, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है पीरियोडिसिटी, कि वही रिपीट हो रहा है वो आफ्टर एक खास डिस्टेंस के, जो कि साइन के केस में ये पूरा डिस्टेंस है। आप देखो, इस पूरे डिस्टेंस के बाद दोबारा वही चीज आ रही है, फिर दोबारा वही चीज आ रही है। तो ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है ना, इसको आप क्या कहते हो, पीरियड कहते हो, जिसको मैंने यहाँ पे पी से लिखा था। पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जिसके बाद आपका फंक्शन रिपीट कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पीरियड इसको लेता हूँ तो ये पीरियड नहीं है, क्यों, इस डिस्टेंस के बाद रिपीट होना चाहिए, रिपीट तो नहीं हो रहा, होना क्या चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ग्राफ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ग्राफ इस तरीके से, अब आपका पीरियड क्या होगा, अब आपका पीरियड ये होगा, क्योंकि ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसके बाद आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है। इस डिस्टेंस के बाद देखो दोबारा ग्राफ आपका ऐसे आ रहा है, दोबारा ऐसे आ रहा है, तो इस वाले केस में पीरियड ये होगा, लेकिन इस वाले केस में पीरियड ये है, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जिसके बाद आपका दोबारा ग्राफ रिपीट कर रहा है, वही आपको साइकिल मिल रही है। ठीक है, तो पीरियड आप कहते हो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जिसके बाद आपका ग्राफ जो है वो रिपीट कर रहा होता है। और जब डिस्टेंस की बात की जाएगी तो हम वही नंबर लेंगे जो डेसिमल के अंदर होता है, मतलब रेडियन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कभी आप देखोगे नहीं कि आपको बोला जाएगा साइन का पीरियड 360 डिग्री है, हमेशा आप पढ़ोगे साइन का पीरियड जो है वो 2 पाई है, क्योंकि अगेन वही मैंने बात बोली थी कि हम रेडियन को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम होता है। तो साइन के केस में, कॉस के केस में जो आपका पीरियड होता है ना वो 2 पाई होता है। आप साइन में या कॉस में 360 डिग्री ऐड करते जाओ, वैल्यू रिपीट करती जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइन 30 की होगी वही 30+360 की होगी। और यही चीज कॉस के अंदर भी होती है, फॉर एग्जाम्पल कॉस 45 जो है वो 1/√2 होता है, आप 45 में 360 ऐड कर दो, जो भी एंगल आएगा उस पे भी कॉस की वैल्यू 1/√2 होगी, रिपीट कर रही होगी। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पूरा फिनोमिना है, पीरियोडिसिटी आप कहते हो, और ये जितने भी फंक्शन छह जो है ये सब पीरियोडिक फंक्शन आप इनको बोल रहे होते। समझ आई यहां तक, कोई कंफ्यूजन? यस अच्छा, अब सवाल ये कि क्या सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, मतलब 360 डिग्री? 360 डिग्री आसानी के लिए हम बोलते हैं, लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्या है, पीरियड 2 पाई, मतलब रेडियन के अंदर आप डिस्कस कर रहे होते हो, क्योंकि डिस्टेंस की बात की जा रही है ना। 2 पाई क्या होता है, 2 पाई, पाई को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑलमोस्ट 6.28, तो 6.28 डिस्टेंस के बाद आपकी रिपीटेशन हो रही है, तो आप रेडियन में प्रेफर करते हो, लेकिन समझने के लिए आप ये बोल सकते हो कि 360 डिग्री पीरियड है साइन और कॉस का। लेकिन टेंजेंट के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, अगर आप साइन का ग्राफ देखते हो ना, ये वाला पॉइंट होता है 0 और ये वाला पॉइंट होता है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। ये शायद मैंने अभी तक फिलहाल बताया ना हो, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना 12.2 के अंदर, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा ये 0 होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 360 होता है, मतलब 2 पाई। तो 0 से लेकर 2 पाई टोटल डिस्टेंस क्या है, 2 पाई डिस्टेंस है जिसके बाद आपका ग्राफ दोबारा रिपीट कर रहा है। यही चीज आपको कॉस के अंदर भी नजर आएगी, अगर आप कॉस का ग्राफ बनाओ, राइट हैंड साइड में मैं बना रहा हूँ, इस टाइप का कॉस का ग्राफ होता है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ था ना, कंसीडर कर लो यहां से स्टार्ट हुआ है, ये नीचे गया है, करते 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 दोबारा इस पॉइंट पे आ गया, फिर दोबारा ये चीज होगी, नीचे आएगा, फिर दोबारा इधर आ जाएगा, मतलब ये चीज आपको बार बार रिपीट होती हुई नजर आएगी। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है 0 और ये जो पॉइंट होता है ये होता है 2 पाए। तो देखो 0 से लेकर 2 पाए तक आपको एक पैटर्न नजर आएगा, उसके बाद दोबारा रिपीट होगा, दोबारा 0 से लेकर 2 पाए यही होगा। तो कॉस के केस में भी मिनिमम डिस्टेंस जो है ना जिसके बाद आपका ग्राफ रिपीट हो रहा है वो 2 पाए होता है, लेकिन जो टेंजेंट है उसका पीरियड पाए होता है। अगर आप टेंजेंट का ग्राफ देखोगे तो आपको बात समझ आएगी, टेंजेंट का ग्राफ इस तरीके से होता है। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाया था टेंजेंट के बारे में, इस तरीके का टेंजेंट ग्राफ होता है। आप देखो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम चीज यहां पे आ रही थी, सेम चीज यहां पे आ रही है। तो अब जरा हम डिस्कस करें ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरी, ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है ना पूरा, ये तकरीबन होता है -90 और ये जो होता है ये होता है 90। तो आप देखो -90 से लेकर 90 तक ये पूरा है, उसके बाद आपका ग्राफ दोबारा रिपीट कर रहा है। जो -90 से लेकर 90 पे जो आपको पैटर्न पूरा नजर आ रहा है ना, ये दोबारा आपको पैटर्न अब नजर आ रहा है।
तो कहने का मतलब टेंजेंट के केस में जो आपका पीरियड होता है वो क्या होता है, जीरो से लेके पाई होता है, मतलब -90 से लेके 90 180 डिग्री होता है ना। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो आसानी के लिए कि अगर आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो, ये पॉइंट होता है जीरो, ग्राफ आपका इधर गया, दोबारा ये इस पॉइंट पे कब आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, पहले इस तरीके से था, दोबारा आपके पास अगेन इस तरीके से बनेगा, ये वाला पॉइंट होता है जीरो, ये वाला पॉइंट होता है पाई। तो अगेन वही बात कि टेंजेंट को टोटल पाई डिस्टेंस चाहिए, मतलब पाई डिस्टेंस के बाद टेंजेंट जो है वो दोबारा रिपीट करेगा। उसके बाद फिर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इस तरीके से दोबारा टेंजेंट आ रहा होगा, ये पॉइंट जो है ये 2 पाए है। तो टेंजेंट के केस में पीरियड 2 पाए नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था पीरियड स्मॉलेस्ट नंबर होता है, यहाँ पे जीरो से लेके पाए तक ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके बाद आपका ग्राफ रिपीट हो रहा है। देखो जीरो से लेके जैसे आप पाए पे पहुंचोगे तो जैसे ये बन रहा था एग्जैक्ट ये बन रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे पाए है जिसके बाद आपका ग्राफ रिपीट हो रहा है। दैट्स व्हाई टेंजेंट के केस में जो पीरियड होता है ना वो पाए होता है, पीरियड 2 पाए नहीं होगा टेंजेंट केस में, क्योंकि पीरियड स्मॉलेस्ट नंबर होता है। आप यहाँ पे 2 पाए ले तो सकते हो कि जीरो से लेकर 2 पाए ले लो, फिर आपको दोबारा ये चीज नजर आ रही होगी, लेकिन ये पीरियड नहीं है। पीरियड की शर्त क्या होती है, स्मॉलेस्ट होना चाहिए वो, और स्मॉलेस्ट मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये चीज जिसके बाद आपका ग्राफ जो है वो रिपीट कर रहा है जीरो से लेके पाए। तो टेंजेंट का पीरियड पाए होता है और साइन और कॉस का पीरियड जो है वो 2 पाए होता है। इनके रेसिप्रोकल के भी यही पीरियड होंगे, साइन और कॉस के जो रेसिप्रोकल होते हैं उनके पीरियड 2 पाए होंगे, और जो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा उनके पीरियड पाए होंगे। ठीक है, तकरीबन हमारा 50% ये पीरियड वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं ग्राफ मिटाना चाह रहा हूँ। आप पीरियड जो है वो ग्राफ से भी मालूम कर सकते हो, आप लोगों को बताया कि आप ग्राफ में देखोगे कितने अरसे बाद आपका ग्राफ रिपीट हो रहा है, कितने डिस्टेंस के बाद। तो आपने देखा साइन और कॉस में आपको टोटल 2 पाई डिस्टेंस चाहिए था जिसके बाद आपका ग्राफ रिपीट हो रहा था, और टेंजेंट के केस में आपको पाए चाहिए था। तो एक तो निकालने का तरीका होता है ग्राफ से, जो मैंने आप लोगों को निकाल के बता दिया, और एक होता है अलजबरिकली, मतलब अलजबरिकली भी आप मालूम कर सकते हो कि साइन का पीरियड क्या है, और वो मालूम करने का मैं तरीका बता देता हूँ, जस्ट साइन के केस का बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, क्योंकि बुक का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा इसके ऊपर। कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई थी कि अगर आप इसके अंदर स्मॉल पीरियड ऐड करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसका आंसर एक्स के ऊपर होगा वही इसका आंसर एक्स प्लस पी के ऊपर भी होगा। तो कैसे ये पी हम मालूम करेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन है इसकी छोटी सी। आप एज्यूम करो, फिलहाल क्या करो आप यहाँ पे कि आप एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो। मैंने कहा था यहाँ पे एक्स बच्चों कोई भी रियल हो सकता है, लिखा था एक्स कोई भी रियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन एक्स को हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक्स को लेते हैं यहाँ पे पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन पाए के अंदर अगर आप 2 पाए ऐड करोगे तो वैल्यू आपकी जो साइन पाए पे थी ना वही वैल्यू होगी अगर आप इसके अंदर 2 पाए ऐड करोगे, मतलब अगर आप कैलकुलेटर में साइन पाए निकालो या पाए के अंदर आप 2 पाए ऐड करो वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ पे एक्स क्या है, ये चीज एक्स है, पीरियड हमारा साइन के केस में क्या होता है 2 पाए होता है। मैं आपको समय बताना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स कुछ भी रियल आप ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक्स पाए लिया है आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 1 ले लो, इसको सॉल्व करके देख लो, जो आपको आंसर मिलेगा ना साइन 1 के ऊपर वही आपको आंसर मिलेगा साइन 1 + 2 पाई के ऊपर। तो कहने का मतलब ये जो एक्स है ना ये कुछ भी रियल हो सकता है, कंडीशन आपकी हमेशा सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है। जबकि पीरियड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पीरियड डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। खैर तो यहाँ पे काम करो, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 0 + p, यहाँ पे हो जाएगा sin 0, ये हो जाएगा sin p, और sin 0 क्या होता है, 0 के बराबर होता है, कैलकुलेटर से निकाल लेना आपको। यहां से आपको पी निकालना है, साइन को उधर ले जाओ, इसके बराबर हो जाएगा sin 1/0 के। ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सी इक्वेशन है sin 1/0, कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे कैलकुलेटर तो आंसर आपको 0 देगा, लेकिन मैं आपको बाकी आंसर बताता हूँ। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एंगल जिसपे sin 0 होता है, sin 1/0 का मतलब क्या है कि वो एंगल्स जिसके ऊपर साइन की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो आप लोगों को कल मैंने बताया था sin 0 कहाँ होता है, sin 0 एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, कल मैंने बताया था कि sin 0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो वो सारे एंगल जो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं वो इसका आंसर है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन से एंगल होते हैं, 0 पाए 2 पाए 3 पाए, ये सारे एंगल जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं। मैं नेगेटिव एंगल नहीं ले रहा क्योंकि पीरियड मैंने बताया नेगेटिव नहीं होता, पीरियड पॉजिटिव ही होता है,
ठीक है, तो ये वो सारी वैल्यूज हैं जो पीरियड की आ सकती हैं इस वाली इक्वेशन में। अब यहाँ पे आपने कौन सा पी चूज करना है, आप सबसे पहले यहाँ पे काम करो, पी जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो सेंस नहीं बनेगी ना, डिस्टेंस जीरो का क्या मतलब है, तो इसके तो वैसे सेंस नहीं बन रही। आप स्टार्ट करो पाई से, आप एक काम करो सबसे पहले इस इक्वेशन में ना पी की जगह पे पाई पुट करो और देखो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मैं यहाँ पे पी की जगह पे पाई पुट करता हूँ, ये देखना इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको जो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे देखना माइनस साइन एक्स आ रहा होगा और माइनस साइन एक्स के बराबर नहीं आ सकता। जरा चेक कर लेना पी की वैल्यू पाई यहाँ पे सूटेबल नहीं है। फिर आप क्या करना, पी की जगह पे टू पाई पुट करना। तो जब आप टू पाई पुट करोगे ना, तब आपके पास ये आंसर आ रहा होगा। यहां से मैं पता क्या चला, पीरियड होता है सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू, क्योंकि देखो जीरो पुट नहीं कर सकते, पाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो है टू पाई। टू पाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर आप फोर पाई पुट करो, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन फोर पाई स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे, टू पाई। तो अलजबरिकली भी आप यहाँ पे मालूम कर सकते हो कि जो साइन का पीरियड है वो टू पाई है। ग्राफ के जरिए से भी आप लोगों को बता दिया, और अलजबरिकली भी आप मालूम कर सकते हो कि साइन का पीरियड टू पाई है। यही काम आप कॉस के साथ करो तो आपके पास तब भी पीरियड टू पाई आ रहा होगा, और यही काम आप टेंजेंट के साथ करना, देखना वहां पे पीरियड पाई आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हो कि जो साइन का पीरियड है वो टू पाई है। प्रूव नहीं, मालूम करना, यहाँ पे हमने मालूम किया है कि जो पी है मतलब पीरियड जो है वो यहाँ पे क्या है, टू पाई। सही है, तो ये वाली बात मैंने आप लोगों को समझा दी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक था इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको, आप लोग याद रखो, लेकिन पहले ग्राफ के जरिए से हमने समझ लिया था, मैंने कहा थोड़ा अलजेब्रिकली भी आप लोगों को बता दो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है साइन एक्स कॉस एक्स इनके रेसिप्रोकल, कोसेक एक्स सेक एक्स। हमने पढ़ा है इनके पीरियड जो है ये क्या होते हैं, टू पाई। अच्छे तरीके से हमने पढ़ा टेंजेंट एक्स कॉट एक्स, इनके पीरियड क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब बिलफर्ज अगर आपके फंक्शन में चेंजिंग आ जाए, जैसे साइन एक्स लिखा हुआ है ना, आपके पास आ जाए साइन टू एक्स, आपके पास आ जाए साइन थ्री एक्स, आपके पास आ जाए टेंजेंट सेवन एक्स, तो क्या अब भी पीरियड वही रहेंगे या पीरियड चेंज हो जाएंगे, इसको मालूम करते हैं। तो ये चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, इस पेज नंबर पे है, पेज नंबर 342 के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, 341 पे अगर आप आओगे ना, तो एग्जांपल नंबर वन में लिखा हुआ है वेरीफाई दैट साइन एक्स कॉस एक्स टेंजेंट एक्स हैव पीरियड टू पाई, टू पाई एंड पाई, ठीक है। तो बुक वालों ने इसको वेरीफाई किया हुआ है, मैंने जो भी आपको सवाल करवाया था ना, इसमें हमने वेरीफाई नहीं किया था, हमने यहाँ पे मालूम किया था कि पीरियड क्या होता है। तुम्हारे पास पीरियड क्या आया था, टू पाई आया था, ये जो मैंने यहाँ पे किया हुआ था एग्जैक्ट, हाँ ये बिल्कुल वही काम मैंने किया हुआ था कि मैंने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ था कि साइन का पीरियड क्या होता है, टू पाई होता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने एक्स के अंदर टू पाई ऐड किया तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, साइन एक्स अपनी जगह पे आ गया। तो ये होता है प्रूफ करना, अगर पेपर में आपके पास आ जाए ना कि प्रूफ करो साइन का पीरियड टू पाई है या कॉस का पीरियड टू पाई है या टेंजेंट का पीरियड टू पाई है, सॉरी पाई है, तो ये बुक में एग्जाम्पल है, पार्ट वन एग्जाम्पल नंबर वन है, इसमें इन्होंने प्रूफ करवाए हैं, साइन का भी बताया हुआ है, कॉस का भी बताया हुआ है, टेंजेंट का भी बताया हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये सवाल पेपर में आपके आ सकता है, या फिर जो एग्जाम्पल नंबर टू है जो मैं आप लोगों को करवाने लगा वो आपके पास आ सकती है, देख लेते हैं उसको। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर टू में बच्चों ये आप लोगों की बुक वालों ने थोड़ा जो तरीका डिस्कस किया वो बहुत लंबा तरीका है, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, फिर एंड पे बुक वाला भी देख ही लेंगे, लेकिन शॉर्ट काफी आसान तरीका होता है पीरियड मालूम करने का। ये बुक में ना ये तीन किस्म के फंक्शन लिखे हैं, एक स्टेप में आप इनके पीरियड मालूम कर सकते हो, लेकिन बुक ने बहुत लंबी की हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास फंक्शन आ रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि यार इनके पीरियड निकालो, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिक जो फंक्शन है साइन कॉस इनके पीरियड क्या होते हैं। उसके बाद अगर मॉडिफिकेशन आ जाए, जैसे 3x आ जाए या x अपॉन 6 आ जाए, तो फिर आप उनके पीरियड निकालो। कैसे? सबसे पहले एग्जांपल को अगर आप देखो, पीरियड का फर्क जो है ना, पीरियड चेंज कब होता है, पीरियड चेंज उस वक्त होगा जब आप एक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो एक्स लिखा हुआ है अगर आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पीरियड में फर्क आएगा, वरना पीरियड में फर्क नहीं आएगा। जैसे आप पहले फंक्शन को देखो, यहाँ पे x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, पूरे फंक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका मतलब इसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई ही रहेगा, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है। तो पीरियड में फर्क कब पड़ेगा, जब आप x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप दूसरी एग्जाम्पल में देखो, x को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, अब इसका पीरियड चेंज होगा
और क्या होगा इसका पीरियड? इजी है निकालना, कॉस का पीरियड क्या होता है? कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। तो डिवाइड कर दोगे जो चीज एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एक्स से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप यहां पे 2 पाई को 3 से डिवाइड कर दो, ये अब इसका पीरियड है। मैं मजीद एग्जाम्पल देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट 7x आ जाए, पीरियड निकालना है। अब देखो एक्स से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब पीरियड चेंज हो गया। कैसे निकालेंगे? टेंजेंट का पीरियड क्या होता है? आपने पाई को डिवाइड करना है उस नंबर से जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 7। डिवाइड करना, इसका मतलब टेंजेंट 7x का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई बाय 7। ठीक है, तो जो नंबर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपने 2 पाई को उस नंबर से डिवाइड कर देना है, साइन और कॉस के केस में। और टेंजेंट के केस में आप पाई से डिवाइड करोगे, मतलब पाई डिवाइडेड बाय जो भी नंबर टेंजेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जल्दी से मुझे बताओ बच्चों इसका पीरियड क्या होगा? कॉस 5x क्या पीरियड होगा इसका? एक्सेलेंट, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन बुक वालों ने लंबी की हुई है, लेकिन अब वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद है तो हम बुक के मेथड भी फॉलो करेंगे। अच्छा इसका भी जरा निकालते हैं। इस 1/6 का कोई ताल्लुक नहीं है पीरियड से, या 1/6 की जगह 1/60 भी आ जाता, कोई ताल्लुक नहीं है पीरियड का, ताल्लुक बस इससे। तो मुझे बता सकता है यहाँ पे एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/6। ये जो x अपॉन 6 लिखा हुआ है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 1/6 मल्टीप्लाई x। आपने सबसे पहले फिगर आउट करना है कि x से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6। फिर आप क्या करो, टेंजेंट मौजूद है ना, टेंजेंट का पीरियड क्या होता है? पाई। आप पाई को डिवाइड करोगे उस नंबर से जो x से मल्टीप्लाई हो रहा था, x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा था? 1/6, तो आप डिवाइड कर दोगे 1/6 से, तो पाई डिवाइडेड बाय जो नंबर x से मल्टीप्लाई हो रहा था। सिंपल सी इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करो, 6 ऊपर जाके पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब इस फंक्शन का पीरियड जो है वो 6 पाई है। ठीक है, ये वो तरीका है जिस तरीके के तहत आप यहाँ पे पीरियड निकालो। अब यहाँ पे हम बुक वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि बुक ने क्या लंबी करके इसका पीरियड निकाला। पहली वाली एग्जाम्पल तो कुछ भी नहीं है, पीरियड 2 पाई है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी वाली एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में आपके पास आ जाए कि पीरियड निकालो कॉस 3x का, अब आप ये काम करोगे तो ये तो अब 2-3 नंबर में अगर आ रहा है तो आप मजा नहीं आएगा ना, तो आपको पूरा मेथड डिस्कस करना होगा। तो आप क्या करोगे, किस तरीके से पीरियड मालूम करोगे? आप क्या करोगे, पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप x की जगह पे ना 2 पाई पुट कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? या इसको करने की भी जरूरत नहीं, आप इसको इस तरह लिखो, इसको ऐसे रहने दो। चलो एक काम करो, आप इसको ऐसे लिखो, ये जो cos 3x है, आपको पता है cos का पीरियड क्या होता है? cos का पीरियड होता है 2 पाई, तो जो cos 3x की वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी 3x प्लस 2 पाई की। देख लो इसको, ये वही बात है कि अगर मैं आपके सामने लिखूं cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री को ये भी तो लिख सकते हो ना, इक्वल टू cos 390। मतलब मैंने लिखा था cos 30, आप उसको अपनी तरफ से चेंज कर दो और cos 30 की जगह लिख दो cos 390, तो मैं आपको गलत नहीं कह सकूंगा। क्यों गलत नहीं कह सकूंगा? क्योंकि जो cos 30 की वैल्यू होती है वही cos 390 की वैल्यू होती है। दिखने में आपको फर्क नजर आ रहा है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। तो cos 30 की जगह आप चाहो तो cos 390 लिख दो। कैसे आया? 30 के अंदर मैंने 360 को ऐड किया, तो कहने का मतलब जो cos 30 लिखा हुआ था उसको मैं cos 390 भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मेरे पास आ जाए cos 60 डिग्री, तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ cos 420 डिग्री, एक ही वैल्यू होगी, क्योंकि 60 के अंदर जब आप 360 ऐड करोगे तो 420 आता है। तो cos 60 का मैं cos 420 भी लिख सकता हूँ। इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करो, मेरे पास लिखा हुआ था cos 3x, मैं cos 3x कैसे लिख सकता हूँ? cos 3x प्लस 2 पाई, 2 पाई 360 डिग्री होता है ना, लेकिन रेडियन में आपने डील करना है कि जो cos की वैल्यू होगी 3x पे वही cos की वैल्यू होगी 3x प्लस 2 पाई पे। अलाउड है बिल्कुल आपको। जब आप यहां तक कर लो, उसके बाद आप क्या करो, आप यहां से x के साथ जो भी चीज लिखी हुई होगी ना, आप उसको कॉमन ले लो। x के साथ क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, 3 को कॉमन ले लो। x में से जब आप 3 को कॉमन लोगे तो 3 बाहर आ जाएगा। 2 पाई में आपको 3 नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप फिर भी कॉमन ले रहे हो। इसको हम कहते हैं जबरदस्ती का कॉमन, कि 2 पाई के अंदर 3 नजर आ तो नहीं रहा, लेकिन 3 आपने फिर भी कॉमन ले लिया। जब आप जबरदस्ती कॉमन लेते हो ना किसी चीज से, क्या करना, आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मसलन
जब आप 2 पाई से 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। असल चीज होती है कॉमन, जब आपने लिया, जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आनी चाहिए। जब आप 3 को दोबारा x से मल्टीप्लाई करोगे 3x आएगा, और जब आप 3 को दोबारा x से मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल, दोबारा 2 पाई आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2 पाई में से 3 कॉमन नहीं आ रहा था, आप जबरदस्ती का कॉमन ले रहे थे। तो जब आप जबरदस्ती का कॉमन लेते हो ना, तो जो नंबर आपने कॉमन लिया है उससे आप 2 पाए डिवाइडेड बाय वो वाला नंबर, इस तरीके से आप कॉमन लेते हो, क्योंकि जब वो दोबारा मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई 2 पाई आ जाएगा। सही है, आपके पास ये चीज आके। अब अगर आप सवाल में देखो ये फंक्शन, अगर इसको मैं थोड़ा गौर से देखूं, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट अंदाज में लिखूं तो क्या बनता है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू cos 3 टाइम इनपुट। यही सवाल था ना, तो यहां पे इनपुट क्या था, यहां पे इनपुट x था। तो इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहां पे इनपुट आपका क्या है, अगर आप देखो यहां पे पूरा असल फंक्शन वही है ना, अगर आप देखो ये फंक्शन f ही है, फंक्शन f क्या था, cos 3 था, जिसको आप इनपुट से मल्टी 3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो भी आपने इनपुट देना था। फंक्शन क्या था, फंक्शन तो cos 3 था ना, तो वही चीज अगर देखो cos 3 यहाँ पे फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे इनपुट का फर्क है, इनपुट अब यहाँ पे क्या है, x+। तो आप इसको, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, f(x)। तो आप देखो यहाँ पे जो भी x के साथ नंबर होगा ना, वो यहाँ पे पीरियड होगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलोगे, हेंस यहाँ पे क्या है, 2 पाई अपॉन 3, जो आपने डायरेक्ट वहां पे मालूम कर लिया था, आपको ये लंबी चौड़ी करके बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिवाइज करवा देता हूँ, सबसे पहले क्या करोगे, अगर 3x लिखा हुआ है तो आप इसको 3x+2 पाई कर दोगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो भी एक्स के साथ नंबर लिखा हुआ है उसको आप कॉमन लोगे। कॉमन लेने के बाद देखोगे फंक्शन एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे, बस फर्क रहेगा इनपुट का। यहाँ पे इनपुट एक्स था तो यहाँ पे एक्स आता था, यहाँ पे इनपुट है x+2 पाई अपॉन 3, तो यहाँ पे एफ के बाद क्या आ जाएगा, इनपुट x+2 पाई अपॉन 3। ये दोनों आपस में बराबर है, यही तो कंडीशन होती है पीरियोडिक फंक्शन की, कि पी एड करने के बाद और उससे पहले फंक्शन बराबर होते हैं। बस अब यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी है 2 पाई अपॉन 3, तो उसका मतलब पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, जो आपने डायरेक्ट ऊपर मालूम कर लिया था। इसी तरीके से इसका जरा निकाल लेते हैं, फिर टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इसका मैं थोड़ा बुक में निकाला हुआ पूरा, मैं आपको मेन मेन स्टेप चलो बता देता हूँ यहाँ पे, बाकी बुक में तो स्टेप्स मौजूद है। फंक्शन आपके पास है 1/6 टेंजेंट x/6, यही चीज लिखी थी ना भाई, जो टेंजेंट x/6 पे आंसर आ रहा है वही आंसर इस पे आएगा, टेंजेंट x/6+π, एग्जैक्टली वही काम करना है। बस कॉस का पीरियड 2π था, तो यहाँ आपने 3x के अंदर 2π ऐड किया था, यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट का पीरियड क्या होता है, टेंजेंट का पीरियड पाई होता है, तो यहाँ पे मैंने x/6 के अंदर क्या पुट कर दिया, क्या ऐड कर दिया, पाई ऐड कर दिया। वही बात है, जो आपको टेंजेंट की वैल्यू मिलेगी ना x/6 पे, वही आपको टेंजेंट की वैल्यू मिलेगी x/6+π पे, क्योंकि पाई पीरियड होता है टेंजेंट का, सिंपल टेंजेंट फंक्शन का पीरियड पाई होता है, इसका तो चेंज हो जाएगा ना। ये स्टेप आपने कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, किसी का सवाल है कोई, बंद कर लोगे, सवाल नहीं है। ये स्टेप जो आपने यहां पे किया था, आपने यहां पे कर लिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, जो एक्स के साथ लिखा हुआ होगा ना, आपने उसको कॉमन ले लेना। अब आप देखो एक्स के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/6 के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/6, तो आपने 1/6 को कॉमन लेना है। अब जरा 1/6 को कॉमन लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप 1/6 को कॉमन लो। अच्छा ये वाला 1/6 तो अपनी जगह पे है, एंगल है ना x/6+π, इसमें से मैं 1/6 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब 1/6 यहां से कॉमन लूंगा, पीछे क्या बचेगा, जब x के साथ 1/6 लिखा हुआ था, मैंने कॉमन लिया, तो ये तो जस्ट x बच जाएगा, लेकिन पाई के अंदर 1/6 कॉमन नहीं था, मतलब पाई के अंदर 1/6 तो नहीं आ रहा था ना। जब आप जबरदस्ती पाई से 1/6 कॉमन लोगे ना, तो मैंने बताया था जो आप जबरदस्ती नंबर कॉमन लेते हो वो डिवाइड हो जाता है जाके। तो जब आपने पाई से जबरदस्ती 1/6 कॉमन लिया, 1/6 पाई से जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, क्यों, जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करो वही चीज आ रही होगी, 1/6 को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आ जाएगी, 1/6 को जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 से 1/6 कैंसिल, दोबारा आपके पास पाई आ जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करो तो सेम आपके पास चीज आनी चाहिए। अब आप देखो वही ओरिजिनल फंक्शन आपके पास आ गया, टेंजेंट 1/6, यहाँ पे इनपुट था एक्स, यहाँ पे इनपुट क्या है, x+π, 1/6 है ना, इसको सॉल्व करो तो 6π हो जाएगा ये, तो मैं एक काम करता हूँ 6π लिख देता हूँ इसको। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इनपुट x था, यहाँ पे इनपुट क्या है, x+6π,
तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स ये बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स पाई की, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे पी क्या है, पीरियड क्या होगा, यहाँ पे सिक्स पाई जो ऊपर आपने डायरेक्ट निकाल लिया। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, स्टेप्स के साथ अगर पेपर में आए तो आपने चार पांच स्टेप के अंदर पीरियड यहाँ पे निकालना है, ये स्टेप्स आप लोग लाजमी करोगे वरना आपके नंबर कट सकते हैं अगर आप डायरेक्ट पीरियड निकाल लोगे। हाँ एमसीक्यूज में अगर आए तो एमसीक्यूज में आपने यही काम करना है, लंबी चौड़ी करने की आपको जरूरत। पीरियड का टॉपिक बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया, जो तीसरा टॉपिक था ना 12.1 का वो भी हमारा कंप्लीट है। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आप लोगों को, लेकिन कोई अगर सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अच्छा हम ना एक एक्टिविटी करते हैं, एक सेकेंड जल्दी से मुझे बताओ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2π। क्या ख्याल है आप लोगों का, अगर मैं यहां पे साइन 2x कर दूं इसका पीरियड क्या होगा? पाई। एक्सीलेंट, पाई। कैसे आया? वही साइन का पीरियड 2π होता है डिवाइडेड बाय जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड इसका पाई आ रहा है। एक्टिविटी हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स के ग्राफ में आप देखोगे कि जीरो से लेकर 2π के बाद आपका ग्राफ दोबारा रिपीट करेगा, जबकि आप साइन 2x का जब ग्राफ बनाओगे ना तो आप ये ऑब्जर्व करोगे जीरो से लेकर पाई के बाद आपका ग्राफ रिपीट हो रहा है। ये मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक सेकंड मुझे ऐप खुलने दो, डेस्कमाउस की खुल गई है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसको स्क्रीन ना नजर आए ना मुझे बता देना। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी आप लोगों से, सबको नजर आनी चाहिए इस वक्त। तो हम काम करते हैं, सबसे पहले ना पहले इसको ग्राफ को मैं इंसानों वाला बना लेता हूँ, बहुत बड़ा हुआ होगा। अच्छा ये जहन में रख लो जो 2π होता है ना उसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 6.28, जैसे ये वैल्यू 5 है ना इसके बाद 6 आएगी, 6.28 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। चलो मैं आप लोगों को बना के भी दिखाता हूँ, एक पॉइंट में बनाता हूँ 2π, 0 ये वाला पॉइंट है, ये 2π वाला पॉइंट है ठीक है। और हम एक पॉइंट बनाते हैं पाए वाला भी, एक्स एक्सिस बना रहे हैं पॉइंट, तो हम बनाते हैं π, 0 तो ये पाए वाला बनाते हैं। आप देखना जो मैं पहला ग्राफ बनाऊंगा ना उसका पीरियड होगा जीरो से लेकर 2π तक, देखना 2π के बाद वो रिपीट होगा। मैं आपको साइन एक्स बना के दिखाता हूँ, ये साइन एक्स है। आप देखो साइन एक्स यहाँ से स्टार्ट हुए, चलते 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 दोबारा इस पॉइंट पे कब आएगा, दोबारा वो इस पॉइंट पे आएगा इस जगह पे। तो देखो ये पीरियड क्या है 2π है, जीरो से लेके 2π टोटल डिस्टेंस इसको लगा है रिपीट होने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा साइन 2x, इसको देखो ये ब्लू वाला ग्राफ है ना यहाँ पे साइन 2x है ये वाला, तो देखो ये स्टार्ट यहां से हुआ है, दोबारा इस पॉइंट पे कब आएगा, दोबारा इस पॉइंट पे अब आ रहा है तो π, 0 मतलब जीरो से लेके पाए तक इसको डिस्टेंस लगा है। अब देखो दोबारा रिपीट कर रहा है ब्लू वाला ग्राफ, फिर दोबारा यहाँ पे आ रहा है, फिर दोबारा यहाँ पे आ रहा है, तो जो लाल वाला ग्राफ है ना उसको ऑलमोस्ट 2π लगा है रिपीट करने के लिए, लेकिन जो ब्लू वाला ग्राफ है उसको जीरो से स्टार्ट होके पाए तक वो गया है और वो दोबारा अब रिपीट कर। ये बात सबको समझ आई यहाँ तक? यस सर। एक्सीलेंट, यही खेल आप खेल सकते हो, मैंने आप लोगों को ऐप बताई भी है, इस ऐप के साथ आप लोग करो। जैसे आपने टेंजेंट 7x का पढ़ा था तो आप देख लेना उसका पीरियड जो है वो पाई अपॉन 7 हो जाएगा। पाई अपॉन 7 अगर आपने x एक्सिस में बनाना हो तो बड़ा इजी होता है, आप पाई अपॉन 7, 0 पॉइंट x एक्सिस पे आ जाएगा। तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है ना x से तो उसका पीरियड छोटा हो जाता है ग्राफ का, जैसे साइन x का पीरियड बड़ा था साइन 2x का पीरियड छोटा हो गया, मतलब वो जल्दी जल्दी रिपीट करेगा वो। तो ये आप लोग कर सकते हो इंशाल्लाह, मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जल्दी से आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर आप लोगों को छुट्टी होगी। आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन। शुरू के दो फंक्शन जो है ना उनको अगर आप समझ लो तो बाकी चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। दो किस्म के फंक्शन आपके पास आ सकते हैं, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बिलफर्ज आपके पास आ गया 1 + 2 sin x, आपके पास आ गया 1 - 2 sin x। सबसे पहले इस फंक्शन की बात करते हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यार आपका जो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये मैक्सिमम कब होगा, मतलब इस फंक्शन का सबसे बड़ा आंसर क्या होगा। देखो 1 और 2 तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, साइन एक्स हो रहा है। तो जब साइन एक्स मैक्सिमम होगा तो आपका पूरा फंक्शन सबसे बड़ा होगा। अब साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, तो बता सकते हैं साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। एक्सीलेंट, 1 होती है। तो ये फंक्शन सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू 1 है,
क्योंकि अगर साइन की वैल्यू वन से कम होगी तो ये फंक्शन सबसे मैक्सिमम तो नहीं होगा, आंसर छोटा होता जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम इसका आंसर क्या मिलेगा, जब साइन एक्स वन है, वन प्लस टू क्या होता है थ्री, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, थ्री के बराबर। और मैं आपसे पूछूं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू कब होगी, साइन एक्स माइनस वन होगा, ठीक है, मिनिमम कब होगा, जब साइन की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी तो ये आपका पूरा फंक्शन उस वक्त सबसे मिनिमम होगा। तो साइन एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। तो अगर साइन एक्स माइनस वन होगा तो ये हो जाएगा वन माइनस टू, वन माइनस टू क्या होता है, तो उसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की आपको मिलेगी थ्री, मिनिमम वैल्यू आपको इस फंक्शन की मिलेगी माइनस वन। ये जो मैं पूरा कॉन्सेप्ट लगा के आप लोगों को सिखा रहा हूं, इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, जो आपका पहला नंबर है इसको हम ए का नाम दे देते हैं और दूसरे वाले नंबर को बी का नाम दे देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया था, पहले वाले नंबर और दूसरे वाले नंबर को ऐड किया था, ए प्लस बी, ये तो वन था ना, इग्नोर कर दो इसको। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपने क्या किया था, ए और बी को आपस में ऐड किया था, और मिनिमम निकालने के लिए आपने क्या किया था, आपने ए और बी को आपस में क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। ये था ए, ये था बी, आपने क्या किया था, ए को बी से सब्ट्रैक्ट किया था। तो जब भी आपके पास इस किस्म का फंक्शन आ रहा है, ए प्लस बी साइन एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, ए और बी को ऐड कर देना, और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, ए और बी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। लेकिन यहां तक तो आपकी लाइफ इजी थी, लाइफ थोड़ी सी मुश्किल उस वक्त होगी जब बी आपका नेगेटिव होगा। यहां पे बी प्लस टू था ना, यहां पे बी जो है वो माइनस टू है। जब बी नेगेटिव होगा ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा जरा देखिए, इस वाले फंक्शन में अगर मैं आपको बोलूं, गौर से सवाल सुनना, इस वाले फंक्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी, क्या लगता है, माइनस वन, माइनस वन पे, एक्सीलेंट। जब साइन जो है वो माइनस वन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, आंसर क्या आ रहा होगा, थ्री आ रहा होगा। और सबसे मिनिमम यहां पे कब मिलेगी, जब साइन सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन क्या हो सकता है, वन हो सकता है, तो अब आपको वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वन मिल रही है। उल्टा चक्कर है यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप देखो मैक्सिमम वैल्यू अभी भी थ्री है, मिनिमम वैल्यू अभी भी थ्री है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिचुएशन में फर्क पड़ रहा है कि साइन एक्स अगर यहाँ पे वन था तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे साइन एक्स अगर माइनस वन था तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस वाले केस में आप वैल्यू कैसे निकालोगे, हमने पढ़ा था फॉर्मूला ए प्लस बी का, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे वन है और बी यहाँ पे क्या है, माइनस टू। जब आप ए और बी को आपस में ऐड करोगे, ए वन है बी यहाँ पे है माइनस टू, जब आप ऐड करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं मिल रही, आपको मिनिमम मिल रही है इसके अंदर। फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आप ए और बी को ऐड करो, अगर यही काम हम यहाँ पे करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही। इसका मतलब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, मॉडिफाई क्या करना है, इस बी की जो नेगेटिव वैल्यू है ना इसको इग्नोर कर दो, अगर मैं यहां से नेगेटिव हटा दूं है ना मैक्सिमम वैल्यू मुझे, उसका मतलब अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, बी को पॉजिटिव कर दो, आपको आसानी से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यही फॉर्मूला हमने यूज करना है, बस इसमें इजाफा क्या करना है कि ये मॉड लगा देना है। मॉड क्या करेगा, मॉड ये करेगा कि जब आपके पास बी पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रहने देगा, अगर बी नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और आपको जो सही वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दे रहा होगा। तो इसलिए आपको अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे ये वाली सिचुएशन आ जाए चाहे ये वाली सिचुएशन आ जाए, मैक्सिमम निकालने के लिए आप हर दफा यही वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। इसी तरह मिनिमम निकालने का भी वही मसला है कि यहाँ पे आपने माइनस वन आई थी, यहाँ पे माइनस वन आई थी, लेकिन अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे। ये फॉर्मूला क्या कहता है, मिनिमम निकालने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ए यहाँ पे वन है बी यहाँ पे माइनस टू है, तो जब आप ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम मिल रही है, फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो अगेन वही काम करना है, आपने क्या बोलना है कि बी का साइन हटा दो, अब आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आपने करना है। तो ये वो दो फॉर्मूले हैं जो बुक ने डायरेक्ट लिखे हुए हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझा दिया कि मैक्सिमम निकालने का ये वाला फॉर्मूला, मिनिमम निकालने का ये, ठीक है। चाहे ये वाली सिचुएशन हो चाहे ये वाली सिचुएशन हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस फंक्शन की फॉर्म ये होनी चाहिए कि एक कॉन्स्टेंट हो उसके साथ एक साइन फंक्शन हो जो कि बी से मल्टीप्लाई हो। अच्छा इवन अगर कॉस फंक्शन आ जाए तब भी यही होगा, कोई नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉस के अंदर भी यही चीज होगी।
क्योंकि कॉस भी मैक्सिमम वन होता है, मिनिमम माइनस वन होता है, उसके अंदर भी यही चीज है। तो एक ये दो फॉर्मूले हैं जो आप साइन के अंदर भी याद रखोगे, कॉस के अंदर भी याद रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी केसेस में भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो बाकी दो किस्म के फंक्शन है ना, पार्ट थ्री पार्ट फोर पेज नंबर 343 पे, उन पे भी आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे पार्ट नंबर 3 में फंक्शन की ये वाली फॉर्म लिखीजिए, ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी, और पार्ट नंबर 4 में लिखिए ए प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो ताल्लुक है ना, वो साइन फंक्शन से, साइन के अंदर आप कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन के अंदर मैंने पहले भी बताया था, कल मैंने आप लोगों को रेंज का टॉपिक बताया था, मैंने बताया था रेंज जो है ना वो डिसाइड होगी अगर से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, इसके अंदर क्या आ जाए इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, रेंज का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी भी इस साइन का सबसे बड़ा आंसर वन होगा, साइन का सबसे छोटा आंसर माइनस वन होगा। तो यहाँ पे एंगल था एक्स, यहाँ पे एंगल है सी, इसको थीटा की जगह एक्स भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, वैसे उन्होंने इस तरह कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे एक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आपके पास सिंपल एक्स आ जाए यहाँ पे, या एक्स के साथ सी मल्टीप्लाई हो जाए, उसके साथ डी एड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू के ऊपर। अभी भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन ही रहेगी, मिनिमम वैल्यू माइनस वन भी रहेगी। तो अगर आपके पास इस टाइप के फंक्शन भी आ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला ही रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम आपने इसी तरीके से ही निकाला। तो ये चार किस्म के फंक्शन जो है ना, ये वाला और वो दो, ये हमने कवर कर लिए कि इनमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब एक पांचवा फंक्शन है वो बताता हूँ, पहले देख लो यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक यही है कि पांचवा फंक्शन क्या है। पांचवा फंक्शन है कि अगर इनका रेसिप्रोकल आ जाए, देखो इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, अगर ये आ जाएंगे तो हम इनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, तो ये कुछ अलग चीज नहीं है। असल में ये चीजें थी ना, इनका कोई खास फायदा नहीं है, ये एक ही है ना, सेम ही, तो हम इन दो ही की बात करते हैं कि अगर इनके रेसिप्रोकल आ जाए। पहले तो आपने ये फंक्शन पढ़ा, फिर आपने ये वाला फंक्शन पढ़ा, कंसिडर कर लो अगर रेसिप्रोकल आ जाए, ये वाला ए प्लस बी साइन एक्स, वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स आ जाए। अब इस फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालें? इसके केसेस बुक ने लिखे हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको समझाऊं या आप लोगों को ना समझाऊं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप लोग 5 मिनट सही फोकस करके समझो ना, जो मैं पॉइंट समझाने लगा हूं, तो ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैं चारों को समझा ही दूं मैं, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है, 5 मिनट रह गए, तो एंड में बस 5 मिनट फोकस करो, जो बात बताना चाह रहा हूं ना सुन लो। एक सिचुएशन में आपको देने लगा हूं कि आपके पास एक फंक्शन था जैसे ये वाला फंक्शन है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, नंबर चेंज कर देता हूँ, बाकी चीजें मैं बिठा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि बुक ने ना इसका रिजल्ट लिखा हुआ है, अब वो रिजल्ट आपको रट्टा मानना पड़ेगा अगर आपने समझा नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं समझा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को रट्टा मानने की जरूरत ना पड़े। कंसिडर कर लो, एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं यहाँ पे, तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जल्दी से मुझे बताओ। 8 मैक्सिमम को मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूँ, मिनिमम को मैं स्मॉल एम से लिखूंगा, मिनिमम क्या होगी? 4। एक्सेलेंट, आपने क्या करना होता है, ए और बी को सेपरेट करना होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है ना, तो मॉड का इतना लेना देना है नहीं, तो मैक्सिमम के लिए आप ए प्लस बी कर दो, 8 आ जाएगा, और मिनिमम के लिए दोनों को सेपरेट कर दो, 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं ये फंक्शन आपके पास रेसिप्रोकल में आ जाता तो फिर क्या फर्क पड़ता? कंसीडर कर लो अगर ये फंक्शन इस तरह होता, तो वन को इग्नोर करो, डिनोमिनेटर में तो वही फंक्शन है ना, बात तो वही है। ये फंक्शन सबसे मैक्सिमम कब होगा, मतलब इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अभी आपने पढ़ा था सबसे मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी, तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद है ये मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होगी, 8 होगी, तो ओवरऑल पूरे फंक्शन की वैल्यू 1/8 आ रही होगी। की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 पुट कर दिया, पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है, क्या लग रहा है? 1/4 मैक्सिमम है। तो यहां से आप एक बात ऑब्जर्व करो कि वो बात क्या है, कि अगर आपके पास ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास रेसिप्रोकल में फंक्शन आ रहा है ना, और आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, आप देखो मैक्सिमम वैल्यू भी पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो जब आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, फंक्शन की मिनिमम बन जाएगी, 1/8 छोटा है एज कम्पेयर टू 1/4 के,
तो डिनोमिनेटर में आपने मैक्सिमम वैल्यू पुट की, लेकिन ये इस फंक्शन की क्या है, ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। और इसमें आपने डिनोमिनेटर में पुट तो की थी मिनिमम वैल्यू, लेकिन इस पूरे फंक्शन की क्या बन जाएगी, मैक्सिमम बन जाएगी। तो उसको मैं क्या लिख रहा हूं, इस पूरी वैल्यू को मैं लिख रहा हूं स्मॉल एम प्राइम। क्या मतलब इसका, स्मॉल एम का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। तो ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब डिनोमिनेटर में आपके पास मैक्सिमम आंसर आएगा, पूरा चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। और इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल एम प्राइम। प्राइम का मतलब रेसिप्रोकल की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल फंक्शन को मैंने इस तरह लिखा था, रेसिप्रोकल वालों को मैंने प्राइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी रेसिप्रोकल की, जब आपके डिनोमिनेटर में आप जब मिनिमम वैल्यू पुट करोगे। जब आपने मिनिमम वैल्यू पुट की थी तो ये पूरी वैल्यू क्या बन रही थी, मैक्सिमम, और ये वैल्यू बन रही थी मिनिमम। दैट्स व्हाई बुक ने ना एक रिजल्ट लिखा हुआ है, जिसको मैं चाह रहा था कि रट्टा आप लोग ना मारो, कॉन्सेप्ट से सीखो। वो कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, अगर एम आपका पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो, और स्मॉल एम भी आपका पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू आप किस तरह निकालोगे रेसिप्रोकल की। मिनिमम वैल्यू निकालने का ये तरीका होगा, वन अपॉन जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी। और मैक्सिमम वैल्यू रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे, वन अपॉन जो इसकी मिनिमम थी, इसकी मिनिमम थी एम। ये फॉर्मूला लिखे हुए, तो दोबारा बताता हूं, जब ये दोनों मैक्सिमम मिनिमम पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी, रेसिप्रोकल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी वो आप डिनोमिनेटर में पुट कर देना, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा उसका मतलब फ्रैक्शन छोटी होगी आपकी। और इस रेसिप्रोकल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब यहाँ पे जो आपकी मिनिमम वैल्यू थी वो आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो इस पूरे फंक्शन का बड़ा आंसर आएगा। क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी आंसर आपका उतना बड़ा होगा, और जितनी बड़ी वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में होगी आंसर आपका उतना छोटा हो जाएगा। ये रिजल्ट बुक वालों ने लिखा है, और यही रिजल्ट उस वक्त भी वैलिड है जब आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नेगेटिव हो। क्या मतलब है बताता हूँ, एक सेकेंड। बिलफर्ज ए को हम नेगेटिव कर देते हैं, ए यहाँ पे -6 है। अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या होगी, -6 को 2 में ऐड करो तो ये हो जाएगा -4। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे -4 है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -6 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो, -6 -2 क्या होता है, -8 होता है। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, ये फॉर्मूले आपके सेम ही रहेंगे। अगर आपका एम और स्मॉल एम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फॉर्मूले इसी तरीके से होंगे। अगर यही चीज आए कि आपको बोले कि रेसिप्रोकल फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालो, तो अगेन फॉर्मूले वही रहेंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा। इस वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिली थी, मैक्सिमम वैल्यू -4 मिली थी, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। और इस वाले फंक्शन की मैक्सिमम कैसे निकालोगे, जो यहाँ पे आपको मिनिमम मिली थी, मिनिमम क्या थी, 1/-1। तो ये हो जाएगा -0। में आपको पता है जो वैल्यू जितनी बड़ी लगती है छोटी होती है, तो अगर आप वैसे देखो 1/4 जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू 1/8, लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। 1/4 जो है अब ये क्या होगा, अब ये छोटा होगा एज कम्पेयर टू 1/-8। तो ये वैल्यू छोटी होगी है, ये वैल्यू बड़ी होगी है, तो इसको आप मैक्सिमम बोलोगे, इसको मिनिमम बोलोगे। शायद ये बातें आपको इतनी समझ ना आ रही हो, लेकिन मैंने पहला वाला केस आपको डिटेल में समझाया है, उसको थोड़ा सोचना तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले आप इस तरीके से यूज करोगे जब आपकी मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। एक तीसरा केस हो सकता है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो और मिनिमम वैल्यू आपकी नेगेटिव हो, ये एक आखिरी केस है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिनिमम पॉजिटिव हो और मैक्सिमम नेगेटिव हो, बनेगी ना उसकी। तो आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि बिलफर जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे 3 नजर आ रही है और मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, कि जब मैक्सिमम वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और मिनिमम वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो अब फॉर्मूले क्या होंगे, इन दो केस में तो फॉर्मूले ये थे, इनको अप्लाई करना इंशाल्लाह कल सीखेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। इस वाले केस में फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, उल्टा आप कर लो। मिनिमम वैल्यू अब क्या होगी, जब आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही पुट करोगे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही पुट करोगे, ये फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो इन दो केस में फॉर्मूले ये थे और इस वाले केस में फॉर्मूले होंगे। अगर आप इसको थोड़ा सोचो ना तो आपको समझ आ जाएगी ये बात कि फॉर्मूले में तब्दीली क्यों आई है। मैं दोबारा नहीं समझा रहा, अगर आप थोड़ा समझो ना इस वाली कंडीशन को लेके कि आप यहाँ पे जब m की जगह 3 पुट करोगे और स्मॉल m की जगह -1 पुट करोगे, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो तब ये वाले फॉर्मूले यूज करोगे, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये 14 टॉपिक आपका 12.1 का कंप्लीट, ये समझ लो 12.1 आपने कंप्लीट कर लिया है। बस फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे हम, 20-25 मिनट में बस कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन ले लेंगे,
और फिर 12.2 के टॉपिक पे आ जाएंगे। मुझे बताओ कोई सवाल, कोई मसला यहाँ तक? मसले तो होंगे, मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूं प्रॉपर। ये चीज बुक में लिखी हुई है 12.1 के, अगर आप ऊपर देखोगे ये चीज लिखी हुई होगी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत 5-10 मिनट में आपको समझा भी दिया। मजीद इसको सोचना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आखिरी हल क्या होता है, रट्टा मारना, कि इन दो केसेस में उल्टा हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम पुट करो और मैक्सिमम के लिए मिनिमम पुट करो, और इस वाले केस में मिनिमम के लिए मिनिमम ही पुट करना है और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम ही पुट करना है। तो रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है तो और अच्छी बात है।